हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखेंगे ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। तो इसका मीनिंग ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डेटा ट्रांसमिशन को अफेक्ट कर सकते हैं, उसका मीनिंग वही है। तो देर आर थ्री फैक्टर, एक है एटेन्यूएशन, दूसरा डिस्टॉर्शन एंड थर्ड है नॉइज। तो एटेन्यूएशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए डायग्राम को देखिए, एक ओरिजिनल डेटा हम लोग ने भेजा है, यहाँ पे कुछ डेटा लॉस हो गया है, फिर से एम्पलीफायर के यूज़ के डेटा द्वारा सिग्नल को एम्पलीफाइड करके रिसीवर के एंड पे पहुँचाया गया है। तो एटेन्यूएशन क्या होता है, व्हेन अ सिग्नल ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम इट लॉसेस सम ऑफ इट्स एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन। तो पहले ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा जो भी सिग्नल पास करता है, अगर वो कुछ अपना डेटा लॉस करता है या फिर एनर्जी लॉस करता है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को जो लॉस हो गया है उसको एटेन्यूएशन बोलते हैं। तो अभी हम लोग जो डेटा भेजा गया है उसको कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि कुछ डेटा तो लॉस हो गया, तो उसके लिए एम्पलीफायर यूज होता है, जो कि मतलब जो भी लॉस हुआ हुआ रहता है डेटा उसको रिकवर करने के लिए सेंड डेटा को एम्पलीफाई करता है और रिसीवर के एंड में पहुँचाता है टू स्ट्रेंथन द सिग्नल। तो वही होता है एटेन्यूएशन फर्स्ट चीज। सेकेंड है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब जैसे सिग्नल चेंजेस इट्स फॉर्म और शेप। अगर कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म में आपने सिग्नल को भेजा है और उसका फॉर्म ही चेंज हो गया है, तो इट नॉर्मली ऑकर्स इन कॉम्पोजिट सिग्नल, जहाँ पे कॉम्पोजिट सिग्नल बहुत सारे सिग्नल का कॉम्बिनेशन वाला जो साइन वेव है, उस केस में डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो ये पर्टिकुलरली क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि जैसे हम लोग कंपोजिट सिग्नल को भेजते हैं थ्रू द मीडियम, कंपोजिट सिग्नल में क्या, बहुत सारे छोटे छोटे सिग्नल मिक्स्ड हैं और सारे सिग्नल के डिले रेट टुवर्ड्स द फाइनल डेस्टिनेशन डिफरेंट है। मतलब वो कितने टाइम में पहुंचेंगे, कितना टाइम डिले होगा, सारे इंडिविजुअल सिग्नल्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग है। तो इसीलिए डिफरेंस इन डिले क्रिएट्स अ डिफरेंस इन फेज फ्रॉम व्हाट दे हैड सेंट एट द सेंटर। तो डिले डिफरेंस होने के वजह से फेज भी डिफरेंट हो सकता है। किससे डिफरेंस हो सकता है, जैसे हम लोग ने भेजा था सेंडर से, उससे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। एंड डिफरेंस इन फेज फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा मेक द सिग्नल इटसेल्फ डिफरेंट। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज को डिस्टॉर्शन बोला जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में, ये एक सेंडर से भेजा गया था डेटा, ये कॉम्पोजिट सिग्नल है। तो यहाँ पे ये कॉम्पोजिट सिग्नल ये तीनों इंडिविजुअल सिग्नल को लेके बनाए गए थे। तो रिसीवर के एंड में क्या हुआ है, फेज में चेंजेस हुआ है। पहला सिग्नल तो सेम ही है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, सेकेंड में क्या है, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा था लेकिन 90 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भी जीरो से स्टार्ट हो रहा था लेकिन 180 से स्टार्ट हुआ। तो फेज में चेंज हुआ है, इसीलिए फाइनली जो रिसीव हुआ है कॉम्पोजिट सिग्नल, उसमें भी आप देख सकते हैं ये कितना डिफरेंट है इससे। तो इसी को बोला जाता है डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट है नॉइज। नॉइज मतलब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से अगर डेटा कुछ करप्ट होता है, लॉस होता है या फिर चेंजेस होता है, तो उसी को नॉइज बोलते हैं। जैसे डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ड्यू टू हीट, एनर्जी और लाइटनिंग, और एंड इट करप्ट्स द डेटा। जैसे ये ट्रांसमिटेड डेटा है, नॉइज आ गया, रिसीव्ड डेटा इससे अलग होगा। एंड देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो व्हिच इज इक्वल टू एवरेज सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय एवरेज नॉइज पावर। एंड देर आर टू लिमिट्स टू डिजिटल ट्रांसमिशन। एक है डेटा रेट, मतलब एट विच स्पीड डेटा इज बीइंग सेंट ओवर द चैनल, एंड इट डिपेंड्स ऑन द बैंडविड्थ सिग्नल एंड क्वालिटी ऑफ द चैनल। नेक्स्ट है बिट एरर रेट। बिट एरर रेट मतलब परसेंटेज ऑफ डेटा, हाउ मच परसेंटेज ऑफ डेटा आर इन एरर फ्रॉम द ट्रांसमिटेड पॉइंट। भेजे हुए पॉइंट से डेटा, कितने परसेंट ऑफ डेटा एरर में है। तो ये दो चीज़ है लिमिट्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन।